इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर फारूक खान जुड़े हैं। फारूक साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फारूक साहब, आपने आज न्याका पंचग्राही का दौरा किया, जहां पे पाकिस्तान की शेलिंग हुई, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सवाल साथ ही साथ है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी आपके साथ था, वहां कोई जानी माली नुकसान हुआ है, उस पर भी आपका तबसरा लेना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जो आपने दौरा किया, वहाँ के लोगों के मसाइल क्या थे। शुक्रिया आपका। आज हमने वाकई ही एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और दौरे के दौरान हमने वहाँ का यह जायजा लिया, जजमेंट किया कि एक बहुत हैवी शेलिंग जो है सिविल इलाके में हुई है और बहुत ही जानी माली नुकसान हुआ। वहाँ हमने देखा कुछ मकान डैमेज हुए, कुछ जानवर डैमेज हुए, एक लेडीज वहाँ जख्मी हुई है। तो ये आए रोज जो है पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है और इस शेलिंग पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है और सरकार इस पे कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है। आज जैसे वहाँ भैंसें जख्मी हुई हैं, दो, एक भैंस तो मेरे ख्याल से अभी तक मर चुकी होगी। वहाँ वेटनरी वाले गए, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया, वहाँ तक ही ट्रीटमेंट दिया जो वहाँ वो कर सकते थे, क्योंकि जानवरों का वहाँ पर कोई एक्सरे मशीनें वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है, वो कर नहीं पाए, इसलिए जानवरों का ज़्यादा नुकसान होता है, मकानों का बड़ा नुकसान हुआ है और एक लेडीज जख्मी हुई है वहाँ। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ SHO मंजाकोट भी हमें मिले, पंकज शर्मा साहब, और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वाले लोग भी वहाँ जाके दौरा करके आए हैं। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपका सिर्फ उस इलाके में दौरा करना ही ना काफ़ी है, बल्कि वहाँ के लोगों को जो है कुछ ना कुछ राहत देना। जिस आदमी के पास दो ही भैंसें थी, उसका इनकम सोर्स दो ही भैंसें था और कोई साइड इनकम सोर्स नहीं है, उसका इनकम सोर्स जो है टोटल ख़त्म हो चुका है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी कोई हौसला अफजाई की जाए, उसकी कोई मदद की जाए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में जो है वो पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। पाकिस्तान इतनी हैवी शेलिंग कर रहा है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट के उसने घुटने टका दिए हैं। उधर देखो चाइना जो है वो कई किलोमीटर अंदर हिंदुस्तान में आ चुका है, उधर से नेपाल अंदर आ चुका है। ऐसे लगता है ALC के ऊपर जैसे जंगबंदी जैसे हालात हैं और आम लोग जो है आम